प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह शांति और आशीष मिले ओलिवर क्रॉमवेल नाम के एक अंग्रेज सेना के जनरल थे सेनापति थे और वो एक बहुत अच्छी बुद्धिमानी रणनीति से युद्धों को करते थे और सत्रहवीं शताब्दी में वो इंग्लैंड के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे एमपी रहे तो ओलिवर क्रॉमवेल के दिनों में एक किसी जवान सैनिक ने कोई अपराध कर दिया सेना का जो बहुत बड़ा अपराध नहीं था लेकिन कानून सख्त थे तो उसको सजाए मौत दी गई और सजाए मौत में उसको एक विशेष दिन पर उसको या तो फांसी से या गोली से मार देना था और जिस घड़ी उसको मारना था वो कर्फ्यू के घंटे सुनाई देने के बाद अब तो ये कर्फ्यू का घंटा क्या होता है घंटा वही होता है जिससे आवाज आती है जिसे घंटी या घंटा कहते हैं जो कर्फ्यू शब्द है ये पुराने समयों से आया है और कर्फ्यू शब्द वास्तव में कवर फायर यानी आग को ढांपना इससे आता है तो पुराने समय में विशेषकर इन इलाकों में रात को आठ बजे हर रोज कर्फ्यू का टाइम कहा जाता था यानी आठ बजे सब घरों को आग को ढांप देना था तब गैस सिलेंडर ऐसी चीजें तो नहीं थी लोग कोयले पे और लकड़ी पे खाना बनाते थे तो आठ बजे उनको अपनी आग को ढांप देना था ताकि आग दिखे ना रोशनी दिखे ना और लोग सो जाए इसके पीछे एक राजनीतिक उद्देश्य भी था कि जो बलवा करने वाले लोग रात को मीटिंग्स करते वो कर ना पाए या उनको बाधा हो तो किसी एक विशेष दिन को कर्फ्यू के घंटे के बाद या कर्फ्यू का घंटा सुनते ही उसको उस जवान सैनिक की सजा होनी थी उसको मार देना था और ये जो कर्फ्यू का घंटा होता तो बहुत बड़ा घंटा होता था और आ, आ, इसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई देती थी ये पुराने समय में बड़े बड़े घंटे होते थे तो इस जवान सैनिक की एक प्रेमिका थी जिसके साथ उसका विवाह होना था उसकी फ्योन्सी थी तो उसने जाके जो जज थे यहीं थे उनसे जाके बहुत विनती की भीख मांगी कि उसको मार तो ना दो उसकी जान तो बख्श दो चाहे उसको सजा मिले लेकिन उसको मार मत दो लेकिन उसकी विनती सुनी नहीं गई क्योंकि सेना के सेना का कानून बहुत सख्त था और जो सजा थी वो पूरी होनी थी उस दिन जो दिन नियुक्त किया गया था और कर्फ्यू के घंटे की आवाज के बाद फिर जो व्यक्ति रोज कर्फ्यू का घंटा बजाता था या जो आ, कह सकते हैं कुटिया वहां पर होती थी जहां पर वो लोग बैठते थे जिनको रात को आठ बजे का घंटा बजाना होता था तो वहां जाकर उसने विनती की सबको मालूम था उस नगर में उस जगह में कि ये बात होने वाली है और वो भी समझ गया जबकि वो बहरा था वो भी समझ गया क्यों आई उसने भी मना कर दिया जैसे भी उन्होंने कम्युनिकेट किया उसने मना कर दिया ये मैं अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हट सकता और अब वो दिन आ गया और उसने सोच लिया कि अब आखिरी एक ही रास्ता बचा है जिससे मैं इसकी जान बचा सकती हूं मेरे प्रेमी की जान बचा सकती हूं तो घंटे की गुम्बट पर बेल टावर पर वो चढ़ गई और घंटे इतने बड़े होते हैं कि आदमी पूरा अंदर घुस जाता है तो जो घंटे का जो क्लैपर कहते हैं इंग्लिश में जो जिस जो लगता है और जिससे आवाज आती है वो उस पर लटक गई और जब आठ बजे तो नीचे से रस्सा खींचा गया और क्योंकि वो व्यक्ति बहरा था उसको सुनाई नहीं दिया कि घंटा बज रहा है कि नहीं बज रहा है वो तो रोज की तरह उसने घंटा बजाया लेकिन वो जो उसने तो लटकी रही थी उस क्लैपर के ऊपर उस डंडे के ऊपर वो डंडा भी कई टन का होगा उस पर लटकी रही और वो वो डंडा जाके उस लोहे के घंटे पे बजता रहा बजता रहा है नहीं इसका शरीर लगता रहा उसने वो आवाज नहीं आने दी वो आवाज ढप गई क्योंकि दोनों धातु के बीच में उस लड़की का शरीर आ गया और उसके शरीर ने सारा मार खाया वो घायल हो गई लहूलुहान लुहान हो गई और जब उसने शायद आठ बार बजाता होगा उसने बजा लिया तो उसको तो पता नहीं चला जो घंटा बजाता था कि आवाज नहीं आई है क्योंकि बहरा था वो और वो दौड़ कर गई जनरल के पास और जनरल को कहा कि देखो मैंने आज इसी प्रकार से अपने आप को घायल कर दिया है ताकि आवाज ना आए और कानून ना टूटे जब अब आवाज नहीं आई है कर्फ्यू के घंटे की कर्फ्यू हुआ नहीं है तो आपकी बात अब आप पूरी कीजिए और क्योंकि कर्फ्यू हुआ नहीं है कर्फ्यू का घंटा की आवाज आई नहीं है तो मेरे प्रेमी को अब एटलीस्ट कम से कम इसकी जान ना लीजिए और उस जनरल ने देखा कि वास्तव में ये लड़की का बुरा हाल हो चुका था लहूलुहान लुहान हो चुकी थी और उसके इस प्रेम को देखकर वो खुद भावुक हो गया और उसने कहा ठीक है तू जा और तेरा प्रेमी जिंदा रहेगा और जैसे तूने कहा कर्फ्यू का घंटा सुनाई नहीं दिया तो तेरा प्रेमी जिंदा रहेगा और बाद में जब जनरल क्रॉमवेल सोचता रहा उसको फिर यही एहसास हुआ कि सच में इसका प्रेम सच्चा है और उसने इस तरह से कार्रवाई की फिर प्रोसेस किया कि के ना केवल वो जवान सैनिक माफ हुआ उस सजाए मौत से लेकिन वो आजाद भी हो गया कुछ समय में और आप सोच सकते हो कि वो जवान सैनिक कितना आभारी होगा है ना अपने प्रेमिका का कितना आभारी होगा और उसने अपने आप को जोखिम में डालकर लहूलुहान होकर अपने प्रेमी को बचा लिया उसने इस बात का सबूत दिया कि वो अपनी जान से ज्यादा अपने प्रेमी की जान का ज्यादा ख्याल रखती है और इन घटना को सोचकर इसके बारे में सुनकर हमें यशाय या भविष्य दक्ता की बात याद आती है जो उसने भविष्यवाणी में प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखी कि वो घायल हुआ और हमारे पापों के लिए कुचला गया हम भी सजाए मौत के नीचे थे नरक के दंड के आज्ञा के अधीन थे दोषी थे और ऐसी आज्ञा थी जो बदल नहीं सकती थी लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो अद्भुत प्रेम है पापियों के लिए मनुष्य के लिए उसकी सृष्टि के लिए वो प्रेम जो ज्ञान से परे यानी बुद्धि से नहीं समझ सकते वो हमें बचाने के लिए इस जगत में आया वो प्रेमिका मरी तो नहीं लहु लुहान निश्चित रूप से हुई लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने तो अपने प्राण दे दिए उस प्रेमिका के लहू से कुछ हो नहीं सकता था जबकि वो घायल हुई लहु लुहान हुई लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लहू ने हमारे पापों को धो दिया जिसने विश्वास किया उसके पापों को धो दिया जगत के पापों के लिए उसने प्रायश्चित किया पापियों के लिए उद्धार लाया ताकि वो मौत से आजाद हो सके उस प्रेमिका ने तो अपने प्रेमी के लिए किया लेकिन बाइबल कहती है जब हम पापी ही थे जब हम उसके मैरी थे तब प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया हमारे अपराधों के लिए वो घायल हुआ हमारे अधर्म के लिए वो कुचला गया उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं परमेश्वर अपना प्रेम इस रीति से हम पर प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह यशु ने हमारे लिए अपने प्राण दिए और तीसरे दिन जी उठा जो एक बहुत सख्त सेनापति था जनरल था उस प्रेम को देख के उसका हृदय भी पिघल गया प्रभु यीशु के प्रेम को देखकर आपका हृदय का क्या व्यवहार है क्या रिस्पॉन्स है उसकी मौत को देखकर चट्टाने तड़क गई आपके हृदय को क्या होता है परमेश्वर करे कि आपका कठोर हृदय भी टूटकर अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु पर विश्वास करें और उसके प्रेम को जाने जिस प्रेम के खातिर उसने अपनी जान दे दी क्रूस पर शून्य हो गया घायल हो गया लहूलुहान लुहान हो गया ताकि मैं और आप भयानक नरक के दंड से बच सके प्रभु यीशु आपको आशीष दे